small entrance with mutilated image of lalat bimba birds animals carved for decoration in and outside suggest that the western wall is remaining part of a hindu temple. ऐसा ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है ये साबित हो जाता है कि ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है. बेस्ड ऑन दी आर्क एंड आर्किटेक्चर दिस प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ हिंदू टेम्पल. जो वेस्टर्न वॉल है ये हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है. द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन फाउंड इनसाइड अ रूम मेंशंस that the mosque was built in the 20th regnal year of Aurangzeb. Hence, the pre-existing structure appears to have been destroyed in 17th century. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले structure था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है during the reign of Aurangzeb and part of it was modified and reused in the existing structure. हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित structure में यूज किया गया, ये ऐसा ही फाइंड. Based on the scientific studies, survey carried out, study of architectural remains, exposed features and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब ऐसा ही कह रहा है कि यहाँ पे एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था इस मस्जिद होने से पहले. सर ये टोटल कितने पेज की सर ये रिपोर्ट है? ये टोटल 839 पेजेस की रिपोर्ट है और एएसआई की जो फाइंडिंग्स थी उसका मैंने कर दिया. ये जो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? इसके अलावा अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम हमारा ये होगा कि जो वजू टैंक का एरिया है, उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा है, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेकर हम न्यायालय के सामने जाएंगे. ये जो समरी आपने पूरी सुनाई है, इसके अलावा जो बाकी पन्ने हैं उसमें और उसमें सारी डिटेलिंग है कि ये जो एएसआई ने फाइंडिंग अराइव की है ये किस बेसिस पे की है. तो उसमें फोटोग्राफ्स हैं, एएसआई की सारी हर एक चेंबर की डिटेल्स हैं, पर उन सारी बातों का जो सारे एएसआई की जो समरी है वो मैंने आपको वहाँ पे पहले एक हिंदू टेम्पल एग्जिस्ट करता था जो 17वीं शताब्दी में तोड़ा. मत पूछो महाजिद कहा जाता है वो वास्तव में मंदिर था और एएसआई का रिपोर्ट यह साबित कर देता है कि जहाँ हिंदू ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, जहाँ वेदों की ध्वनि गुंजित होनी चाहिए था, जहाँ हर हर महादेव का नारा लगना चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जो है अल्लाह अकबर के नारे लगते थे. और आज सारे ठीक ठीक के चिल्ला रहे हैं कि वहाँ पर जो है हिंदू मंदिर था और जो है जबरन तलवार के बल पर जो है धर्म हमारा आराध्य गया था. पश्चिमी दीवार, पश्चिमी दीवार पे क्या, पश्चिमी दीवार पे क्या आया? पश्चिमी दीवार साफ साफ ये कह चिल्ला कर वो मंदिर हिंदू मंदिर था. और फिर से मैं कह रहा हूँ कि वह मंदिर जहाँ पर जो है हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए था, जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, जहाँ ऐसा जो रिपोर्ट में अपने सम्मा है उसमें कहा है उन्होंने कि ये दीवार की खम्भे सारे मंदिर के थे उसको तोड़ा गया है. क्या ऐसा का साफ साफ रिपोर्ट है कि यह जो मंदिर सब सब खम्भे जो मंदिर के थे अवशेष थे उसका मस्जिद का निर्माण किया गया और पश्चिमी भाग हो चाहे जितने भी खंडे हो सबके सब जो है उसमें निर्माण किया गया. हमें तो आश्चर्य हुआ कि जब हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिले तो हमें लगा कि जो हाँ वेदों के मंदिर गुंजित होना चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, जहाँ हर हर महादेव के नारे लगना चाहिए था, वहाँ जो है अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे. आश्चर्य है कि यहाँ इस देश में जो है कैसे जो है और दूसरी चीज जो औरंगजेब का फरमान था वह भी फरमान पश्चिमी दीवार पर मिला जो फारसी में लिखा हुआ था. इस पर इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? और दूसरी चीज सारे के सारे साक्ष हिंदू मंदिर के थे. पाषाण शिला खंड हो, कलाकृतियाँ हो, यहाँ तक कि जनार्दन और भाषा में जो है जनार्दन हो और सारे के सारे जो है देवी देवताओं के भित्ति चित्र भी पाए गए जो है सारे के सारे. अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है कि जो जो है वजू खाने में जो प्राप्त शिवलिंग है उसको जो है उसका भी वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा और यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया कि हमारा हिंदू मंदिर है. इसके लिए हम और आंदोलन तेज करने का प्रयास करेंगे.